बिहार के दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। जहां मोकामा में आरजेडी ने जीत का परचम लहराया है, वहीं गोपालगंज में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये दोनों ही सीटें पहले से दोनों ही पार्टियों के पास थीं। मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी की सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं गोपालगंज में कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2,183 वोटों से हराया है। बीजेपी ने सीट के लिए ताकत झोंक दी थी। ये सीट सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई थी। उनकी पत्नी कुसुम देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में पार्टी को सहानुभूति वोट मिला। सुभाष सिंह का क्षेत्र में पहले से दबदबा था। इस सीट में बीजेपी आरजेडी से लगातार बढ़त बनाई हुई है। मोकामा में जीत के बाद नीलम देवी ने कहा कि हमारी जीत पहले से ही तय थी। मैंने पहले ही कहा था कि मोकामा में कोई टक्कर ही नहीं है। वोटिंग की सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई है। विधायक जी का विकास किए हैं और जनता के हमेशा दुख में सुख में सेवा किए हैं, उसी का ये रिजल्ट है। कितना कठिन चुनाव आपको लगा विधायक जी? ये नहीं है कितना कठिन? नहीं, कोई कठिन नहीं। हमारे जनता अभिभावक जो समर्थक कार्यकर्ता लोग हैं, अभिभावक लोग का आशीर्वाद है, सब लोग साथ में हैं, कोई कठिन नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।